गुड आफ्टरनून. टुडे आई विल डिस्कस सम मोर पॉइंट्स इन कंटिन्यूएशन विद प्रीवियस क्लासेस, प्रीवियस वीडियोस. यस्टरडे आई डिस्कस्ड अबाउट वेरियस काइंड्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस, रादर अरिथमेटिक ऑपरेशंस यूजिंग प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड सो ऑन, एंड देन इटरेशन थ्रू रोज एंड कॉलम्स. These were the previous topics that I have discussed. Today we are going to discuss what is actually broadcasting and matching and what type of operations are known as broadcasting and matching. Here, agar main broadcasting ki baat karun, to the term broadcasting comes from NumPy actually, which is a method offered by pandas while dealing with arrays of different shapes while performing arithmetic operations. Actually जो broadcasting होती है किसी भी एक object का, मे बी data frame और series, data frame का या series का एक object जो है उसके अंदर की एक value at a particular index number, अगर वो दूसरे data frame या दूसरे series की वे सभी वैल्यूज़ पर ऑपरेट हो रही है तो वो ब्रॉडकास्टिंग कहलाता है. जैसे किसी सीरीज़ में 5 है और किसी डेटा फ्रेम के वो सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो सच टाइप ऑफ ऑपरेशन इज़ नोन एज ब्रॉडकास्टिंग ऑपरेशन. मतलब वन वैल्यू इज़ बीइंग ब्रॉडकास्टेड ऑन वेरियस नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, तो ये ब्रॉडकास्टिंग होता है. कल आपने पिछली क्लास में इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी आपने देखा था. अच्छा, इसमें होता क्या है कि इन दिस मेथड यूजुअली अ स्मॉलर एरे इज ब्रॉडकास्टेड अक्रॉस द लार्जर एरे. छोटी एरे यानी सीरीज जो है वो किसी डेटा फ्रेम पर बड़े ऑब्जेक्ट पर ब्रॉडकास्ट होगी सो दैट इट हैज़ कंपैटिबल शेप, और जो ब्रॉडकास्ट होने के बाद जो शेप होगा वो बड़े वाले डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का या जो भी ऑब्जेक्ट है जिस पर वो ऑपरेट हो रहा है उसका शेप, रिजल्टेंट डेटा फ्रेम विल टेक द शेप ऑफ द लार्जर ऑब्जेक्ट जस्ट टू मैच द कंपैटिबिलिटी. एक इसका ड्रॉबैक है कि ब्रॉडकास्टिंग इज नॉट रिकमेंडेड एज इट लीड्स टू इनएफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरी दैट स्लोज डाउन द कंप्यूटेशन. सो दिस इज टू बी टेकन केयर. बहुत ज़रूरी हो देन ओनली वी कैन गो फॉर ब्रॉडकास्टिंग. अदरवाइज इफ आई कैन और वी कैन परफॉर्म थ्रू सिंपल कैलकुलेशंस एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ डेटा फ्रेम एंड सीरीज एंड ऑपरेट अपॉन, तो आपको ब्रॉडकास्टिंग की ज़रूरत नहीं होती है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम होती है. नाउ हेयर लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ ब्रॉडकास्टिंग. यहाँ पर आप देखें, ये एक्चुअली जो पहला एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ ये ब्रॉडकास्टिंग नहीं है. ब्रॉडकास्टिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए. एक हमारे पास डेटा फ्रेम है हैविंग इंग्लिश मार्क्स 56, 67, 89 एंड 90, देन आईपी मार्क्स. ये डिक्शनरी के फॉर्म में है, दो कॉलम बनेंगे, एक इंग्लिश के लिए एक आईपी के लिए. सो इसका ये डेटा फ्रेम ये है, और इसमें अगर मैं प्लस 5 करता हूँ सो दिस स्केलर वैल्यू 5 इज़ बीइंग ऑपरेटेड ऑन एवरी एलिमेंट ऑफ दिस डेटा फ्रेम एट एवरी लोकेशन. हर इंडेक्स पर 5 ऑपरेट होगा. तो इसमें 56 प्लस 5 61, 67 प्लस 5 72, इसी तरह से ये सारा हो जाएगा 90 प्लस 5 95, 60 प्लस 5 65 एंड सो ऑन. एक्चुअली ये जो है ब्रॉडकास्टिंग है. 5 इज़ बीइंग ब्रॉडकास्टेड ऑन ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द डेटा फ्रेम DF. इट इज़ ब्रॉडकास्टिंग. और इसी के साथ अगर मैं मैचिंग की बात करूं तो मैचिंग का मतलब, मैंने कल पिछली क्लास में भी मैचिंग जो है वो कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन पढ़ी थी. यहाँ पर देखिए, मैचिंग इन डेटा फ्रेम मींस व्हेन एक डेटा फ्रेम के सभी एलिमेंट्स दूसरे डेटा फ्रेम के या दूसरे ऑब्जेक्ट के करेस्पॉन्डिंग मैचिंग एलिमेंट्स के साथ अगर ऑपरेट होते हैं हैविंग सेम इंडेक्स आर ऑपरेटेड अपॉन द मैचिंग एलिमेंट्स ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, तो वो मैचिंग कहलाता है. अगर उसके डायमेंशंस मैच करते हैं तब तो वो मैचिंग एलिमेंट्स के साथ ऑपरेट होगा,
कुछ डायमेंशन में कुछ रह जाते हैं कुछ एलिमेंट्स, तो वहाँ पर उसका जो ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी आप कर रहे हैं उसका रिजल्ट जो है वो एन एन नॉट ए नंबर देता है। तो ये मैचिंग कहलाता है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट के बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं वो दूसरे ऑब्जेक्ट के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ, करेस्पॉन्डिंग का मतलब यहाँ लोकेशन से है, इंडेक्स नंबर से है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ अगर ऑपरेट होते हैं तो इट इज़ सेट टू बी मैचिंग ऑपरेशन। जैसे यहाँ मैंने DF1 और DF2 दो डेटा फ्रेम बनाए हैं, ये डेटा फ्रेम में एक ही कॉलम है, 2, 5, 6, 7, 8 एलिमेंट इसमें है, इंडेक्सिंग 0 to 4 है। सिमिलरली DF2 इज ऑल्सो हैविंग द इंडेक्सिंग 0 to 4, हैविंग डिफरेंट एलिमेंट्स। जब इन दोनों को मैं प्लस करता हूँ सो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यानी कि इसका जीरो थ्रू और जीरो कॉलम का एलिमेंट 5, 2 और इसका जीरो थ्रू जीरो कॉलम का एलिमेंट 5, ये दोनों ऑपरेट होकर के 5 + 2 यहाँ पर जीरो थ्रू जीरो कॉलम पर 7 रिजल्ट देते हैं इन द थर्ड रिजल्टेंट डेटा फ्रेम यू कैन से। तो ये करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यहाँ इस लोकेशन का 5 और 8 जो है ये ऐड होकर के 13 दे रहा है, सिमिलरली 6 और 9 ये 15 दे रहा है। तो ये मैचिंग एलिमेंट्स ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज़ बीइंग ऑपरेटेड अपॉन द मैचिंग एलिमेंट ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, सो इट इज़ कॉल्ड एज मैचिंग ऑपरेशन। सो ब्रॉडकास्टिंग एंड मैचिंग, दीज टू ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड हेयर थ्रू पांडास यूजिंग वेरियस काइंड्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। वी हैव डन वेरियस काइंड्स ऑफ ऑपरेशंस ऑन मैचिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग इन प्रीवियस सेगमेंट ऑल्सो। नाउ यू कैन सी दिस वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। नेक्स्ट, हेयर आई एम मेकिंग अ डेटा फ्रेम हुज डायमेंशन इज 3 कॉलम्स एंड 4 रोज, DF हैविंग इंग्लिश IP एंड मैथ्स मार्क्स, और मैं एक एरे बना रहा हूँ, AR=NP.Array, 2, 3, 4 वन डायमेंशनल एरे है। हमें यहाँ देखना है कि डाटा फ्रेम का एरे के साथ कैसे ऑपरेशन होता है। पिछले क्लासेस में और पिछले वीडियोस में आपने अर्थमेटिक ऑपरेशंस किया था स्केलर वैल्यू के साथ डाटा फ्रेम का, फिर डाटा फ्रेम के साथ, डाटा फ्रेम का सीरीज़ के साथ। अभी यहाँ आप देख सकते हैं कि डाटा फ्रेम का वन डायमेंशनल एरे के साथ कैसे ऑपरेट होता है और कोई डेटा फ्रेम 2 डायमेंशनल एरे के साथ कैसे ऑपरेट होता है। सी दिस 2, 3, 4 AR0, AR1, AR4 ये डेटा फ्रेम के सभी इन तीनों एलिमेंट्स के साथ ऑपरेट होगा। सो यू कैन सी 2 विल बी ऑपरेटेड विद 56, तो प्लस हो करके 58 हो गया, और ये 3 इज़ बीइंग ऑपरेटेड विद 90, जैसे आपका सीरीज ऑपरेट हो रहा था, सो इट हैज़ बिकम 93, एंड 4, 67 + 4 ये 71 हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सभी कॉलम्स के साथ ये एरे के एलिमेंट्स ऑपरेट हो रहे हैं। सो हेयर 67 + 2 = 69, यानी कि 2 इज़ बीइंग एडेड इन फर्स्ट कॉलम एंड 3 इज़ बीइंग एडेड इन सेकेंड कॉलम, 4 इज़ बीइंग एडेड इन थर्ड कॉलम। सो दिस इज़ द वे हाउ वन डायमेंशनल एरे इज़ बीइंग ऑपरेटेड। यहाँ भी आप कह सकते हैं कि एक तरह का ब्रॉडकास्टिंग ही है, क्योंकि 2, 3, 4 इज़ बीइंग शेयर्ड विद फर्स्ट कॉलम इंग्लिश एंड IP एंड मैथ्स। जीरोथ रो में भी 2, 3, 4 से मल्टीप्लाई हुआ है, फर्स्ट रो में भी, सेकेंड रो में और थर्ड रो में, यानी 2, 3, 4 इज़ बीइंग ब्रॉडकास्टेड इन दीज 4 रोज ऑफ दिस डेटा फ्रेम। यू कैन से इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। अनदर 2 डायमेंशनल एरे के साथ हमारा डाटा फ्रेम कैसे ऑपरेट होगा, यू कैन सी सेम डेटा फ्रेम आई हैव मेड, और उसके बाद मैंने एक एरे बनाई है नेस्टेड लिस्ट के साथ। 2 डायमेंशनल एरे बनती है, आपको पहले पढ़ाया जा चुका है NumPy में। सो 1, 2, 3, 4, तो पहली रो में आपका 1 है, दूसरी रो में 2 है, 3 और 4 ये 2 डायमेंशनल एरे है, और हालांकि इसमें और एलिमेंट्स मैंने नहीं लिए हैं, ए लुकिंग लाइक 1 डायमेंशनल ओनली। फिर भी आप इसको देखें, DF1 नया डाटा फ्रेम मैंने बना लिया, DF के साथ AR2 को ऐड किया जा रहा है,
so 1 will be added to 56 has become 57 और 90 में 1 ऐड हो गया तो हैज़ बिकम 91, 67 में 1 ऐड हो गया हैज़ बिकम 68। सिमिलरली 2 विल बी एडेड इन द फर्स्ट रो यानी कि इंडेक्स नंबर 1 वाली रो में 2 ऐड होगा, 3 इज़ बीइंग एडेड इन थर्ड रो हैविंग इंडेक्स नंबर 2, तो यहाँ 92, 83 और 85 हो रहा है, 90, 85 एंड 90 के साथ ऐड हो रहा है 4। सो यू आर गेटिंग दिस डेटा फ्रेम, दिस इज़ द न्यू डेटा फ्रेम DF1, रिजल्टेंट डेटा फ्रेम आपका आ गया और ये DF आपका है ओल्ड एंड एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम DF एज इट इज़ विदाउट एनी चेंज। सो दिस इज़ द वे हाउ वी कैन ऑपरेट ऑन डेटा फ्रेम विद टू डायमेंशनल एरे। नाउ आफ्टर दिस अरिथमेटिक ऑपरेशंस एंड द टर्म ब्रॉडकास्टिंग एंड मैचिंग वी प्रोसीड टू बाइनरी ऑपरेशन, यू कैन से रिलेशनल ऑपरेशन। रिलेशनल ऑपरेशन में आपका ग्रेटर दैन रिलेशनल ऑपरेटर्स के साथ डाटा फ्रेम को कंपेयर करना होता है, ग्रेटर दैन लेस दैन ग्रेटर दैन इक्वल टू लेस दैन इक्वल टू एंड सो ऑन, यू माइट हैव स्टडीड रिलेशनल ऑपरेटर। तो यहाँ हम देखते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन में रिलेशनल ऑपरेशन कैसे किए जाते हैं। आपके पास एक स्टूडेंट 1 डिक्शनरी के फॉर्म में है और आपने इसका डेटा फ्रेम बना दिया DF। अगर आप DF ग्रेटर दैन 6 लिखते हैं स्केलर वैल्यू के साथ, सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे। सो 5 इज़ इसका जो DF बनेगा वो पहली रो बनेगी 5, 6, 8, 3, 10, फर्स्ट कॉलम CT1 के लिए बनेगा, फर्स्ट कॉलम 5, 6, 8, 3, 1, 10 और दूसरा कॉलम बनेगा 7, 8, 9, 6, 5। तो इसको 5 इसके साथ DF की वैल्यू इसके साथ कंपेयर होगी। सो DF की वैल्यू 5 है, ग्रेटर देन 6 है, फॉल्स आ गया। 6 की वैल्यू ग्रेटर देन 6 ये भी फॉल्स है, 8 ग्रेटर देन 6 ट्रू आ गया, 3 ग्रेटर देन 6 फॉल्स, 10 ग्रेटर देन 6 ट्रू। CT2 अगर कॉलम देखें तो 7 ग्रेटर देन 6 ट्रू, 8 ग्रेटर देन 6 ट्रू, 9 ग्रेटर देन 6 ट्रू, 6 ग्रेटर देन 6 फॉल्स एंड 5 ग्रेटर देन 6 फॉल्स। सो दिस वे वी कैन आई मीन दिस स्केलर वैल्यू इज़ बींग कम्पेयर्ड विद ऑल द वैल्यूज ऑफ द डेटा फ्रेम शोइंग अ टाइप ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ओनली। इसी तरह से रिलेशनल ऑपरेशन बिटवीन टू डेटा फ्रेम्स, दो डेटा फ्रेम सेम डायमेंशन के हैं तो उनका हम रिलेशनल ऑपरेशंस के साथ कंपेरिजन कर सकते हैं। DF1 इज लेस दैन DF2, यहाँ पर जीरोथ एलिमेंट 5 है, कॉलम नंबर 0 एंड रो नंबर 0 5 है और इसमें कॉलम नंबर 0 एंड रो नंबर 0 3 है। तो DF1 इज लेस दैन DF2 यानी कि 5 जो है वो 3 से छोटा है, इसके लिए आपको ये फॉल्स दे रहा है। इसी तरह से 6 इसमें कंपेयर होगा 9 के साथ तो ये भी आपका जो है फॉल्स आएगा, 9 के साथ जो भी कंपेरिजन होगा प्लस माइनस होगा वो 9 ही आएगा। 6 जो है वो यहाँ पर 6 के साथ लेस है, फॉल्स आ गया, लेस नहीं है। 3 इज़ लेस देन 6 ट्रू आ गया, 10 इज़ लेस देन 8 फॉल्स आ गया। सिमिलरली यहाँ पर 7 लेस देन 5 सेकेंड कॉलम में फॉल्स, 8 लेस देन 9 फॉल ट्रू हो गया, 8 इज़ लेस देन 9 ट्रू हो गया, 9 इज़ लेस देन 8 फॉल्स आ गया, सिमिलरली अगेन फॉल्स एंड फॉल्स। तो ये हमारा दो डेटा फ्रेम सेम डायमेंशन के हों तो ऐसे कंपेयर किया जा सकता है। इस तरह से आपने देखा कि स्केलर वैल्यू के साथ कैसे कंपेयर करते हैं डेटा फ्रेम को और डेटा फ्रेम का डेटा फ्रेम के साथ कैसे कंपेरिजन कर सकते हैं यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर्स। नाउ रिलेशनल ऑपरेशन बिटवीन डेटा फ्रेम एंड सीरीज, हेयर आई हैव मेड अ डेटा फ्रेम पीरी डॉट डेटा फ्रेम 5, 6, 7, 8, 6, 7 and one series 4, 5, 6. Our data frame appears like this, row number 0, 1, 2, 3 and column number 0, 1, 5, 6, 7, 8, 6, 7 and one series having index numbers 0, 1, 2 and elements are 4, 5, 6. Now see how it is compared and operated. A greater than S, तो ए के जो एलिमेंट 5 है इट इज़ गोइंग टू बी कंपेयर्ड विथ 4,
So 5 is greater than 4, therefore it is displaying true. Then 6 is being compared with 5. Again 6 is greater than 5, so returning true. इसके बाद अगला, इसमें कॉलम का इंडेक्स नंबर 2 नहीं है, सो दैट इज़ गोइंग टू रिटर्न. ये 6 के साथ कंपेयर होता लेकिन वो है नहीं, इसलिए यहाँ पर फॉल्स रिटर्न करेगा. सिमिलरली आपका ये 7 इज ग्रेटर देन 4, ट्रू. 8 इज ग्रेटर देन 5, अगेन ट्रू. एंड देन दैट कॉलम इज नॉट प्रेजेंट, ग्रेटर देन 6 होना चाहिए था, रिटर्निंग फॉल्स. सिमिलरली 6 इज ग्रेटर देन 4, ट्रू. 7 इज ग्रेटर देन 5, अगेन ट्रू, बट अनदर कॉलम इज नॉट अवेलेबल, सो इट इज रिटर्निंग फॉल्स. दिस इज हाउ द एलिमेंट्स ऑफ डेटा फ्रेम एंड सीरीज आर कंपेयर्ड. सीरीज जो है वो रो वाइज बिहेव करने लग जाता है, और सीरीज के अकॉर्डिंग एक डायमेंशन यहाँ पर बढ़ जाता है कॉलम. रिलेशनल ऑपरेटर्स कैन ओनली कंपेयर विद आइडेंटिकली इंडेक्स्ड लेबल डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट्स विद सेम डायमेंशन, अदरवाइज गिव्स एरर. तो रिलेशनल ऑपरेटर्स जो है वो कंपेयर होते हैं आइडेंटिकली इंडेक्स्ड डेटा फ्रेम के ऑब्जेक्ट्स के साथ. सो दिस इज कंपेरिजन ऑफ डेटा फ्रेम अलॉन्ग विथ सीरीज ऑब्जेक्ट. नाउ बूलियन इंडेक्सिंग भी आप कर सकते हैं डेटा फ्रेम में, यानी कि इंडेक्स के नाम ट्रू फॉल्स भी रखे जा सकते हैं. जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक डेटा फ्रेम डिक्शनरी के थ्रू बनाया गया हैविंग नेम, एज एंड स्कोर. 3 कॉलम्स इसमें क्रिएट होंगे और इनके इंडेक्स डिफाइन कर दिए ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू. 4 वैल्यूज़ हैं, 4 रो अपीयर होंगी, 3 कॉलम अपीयर होंगे. df को प्रिंट कराया गया तो योर df इज़ अपियरिंग लाइक दिस. इनके इंडेक्स इन प्लेस ऑफ 0, 1, 2, 3 यहाँ पर ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू हो रहे हैं. अब आप इसे एक्सेस करना चाहते हैं तो df.loc से आप एक्सेस कर सकते हैं. loc आप पढ़ चुके हैं, जस्ट यू कैन जस्ट रिमाइंड व्हाट इज़ loc फंक्शन. ये लेबल के थ्रू, इंडेक्स लेबल के थ्रू आपको वैल्यू देगा जिसका ट्रू होगा इंडेक्स, दैट रो इज गोइंग टू अपियर इन द रिजल्ट. सिमिलरली df.loc ट्रू कॉलन. ट्रू कॉलन मैंने इसलिए लगाया है कि रो नंबर, रोज की वैल्यू ट्रू है और कॉलन का मतलब ऑल कॉलम्स. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल कॉलम्स, नेम, एज एंड स्कोर एंड इंडेक्सेज जिसकी ट्रू हैं, दैट इज गोइंग टू अपियर. सिमिलरली .loc ट्रू मीन्स दोज रोज विच आर हैविंग वैल्यू ट्रू एंड द कॉलम रेंज, नेम से लेकर के एज तक की रेंज, नेम और एज दो ही कॉलम है, सो दैट इज़ गोइंग टू अपियर विथ ट्रू वैल्यूज़. ILOC का अगर मैं इस्तेमाल करूँ, इंडेक्स के साथ इसकी लेबलिंग होती है, तो इंडेक्स नंबर 1, 3 का मतलब हुआ रो नंबर 1 एंड 2. तो रो नंबर 1 एंड 2 में आप देखें 0, 1, 2, तो दोनों वैल्यूज़ फॉल्स आपको डिस्प्ले हो रही हैं. सो दिस इज़ हाउ वी कैन डू इंडेक्सिंग, बुलियन इंडेक्सिंग, यानी कॉलम्स की इंडेक्सिंग जो है हम लोग बुलियन टाइप भी रख सकते हैं. इंडेक्स पैरामीटर, इंडेक्स्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ द डेटा फ्रेम कैन बी पास टू द वेरियस इंडेक्सेस हैविंग वैल्यूज ट्रू और फॉल्स. बिफोर गोइंग टू अनदर स्लाइड, हेयर आर 3 मोर फंक्शंस जिसे हम बूलियन रिडक्शन कहते हैं. इन फंक्शन से हम बूलियन रिडक्शन कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं जो रिजल्ट है इन द फॉर्म ऑफ ट्रू फॉल्स. बूलियन रिडक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ टर्म्स एंड वेरिएबल्स इन अ बूलियन एक्सप्रेशन. वी कैन अप्लाई रिडक्शन यूजिंग द फंक्शन एम्प्टी एनी एंड ऑल. एम्प्टी फंक्शन में आप टेस्ट करेंगे, एम्प्टी तो आपको डाटा फ्रेम में अगर कोई कोई भी एलिमेंट नहीं है, खाली डेटा फ्रेम है इंटायरली एम्प्टी, सो इट विल रिटर्न ट्रू. ऑल फंक्शंस में क्या होगा, इट रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सीरीज इन अ डेटा फ्रेम एक्सिस वाइज आर नॉन जीरो या नॉन एम्प्टी और नॉन फॉल्स. यानी एक्सिस वाइज मतलब आप रो वाइज देखें तो सारी, एक पार्टिकुलर रो में सारी वैल्यूज़ अगर नॉन एम्प्टी हैं,
तो ऑल विल रिटर्न ट्रू अगेंस्ट इट और अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। यहाँ जैसे देखें ये 4 5 है इसको ट्रू रिटर्न करेगा, यहाँ 5 6 है इसके लिए ट्रू रिटर्न करेगा, अगर इसमें कोई ज़ीरो हो जाता या फॉल्स हो जाता तो ये रिटर्न करता आपको फॉल्स। तो यहाँ देख सकते हैं 4 5 6 ये हमारा ओरिजिनल डेटा फ्रेम है। अगर मैं डी एफ डॉट ऑल करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कंप्लीट ये कॉलम कंसीडर करता है यहाँ पर। तो पहला कॉलम अगर आप देखें तो 4 5 है, दूसरे में 5 6 है, तीसरे में 6 7 है, सो इट इज़ रिटर्निंग ट्रू इन ऑल दीज 3 वैल्यूज़। सिमिलरली हेयर यू कैन सी 4 5 6 0 6 फॉल्स, मैंने ज़ीरो को भी फॉल्स लेता है, फॉल्स को तो फॉल्स लेगा ही। दिस इज़ योर ओरिजिनल डेटा फ्रेम। यहाँ पर डी एफ डॉट ऑल लिखेंगे आप तो पहले वाली कॉलम में 0 4 0 है फॉल्स, क्योंकि ये दो वैल्यूज़ ज़ीरो हैं। यहाँ पर 1 5 6 है, कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ नॉन फॉल्स नहीं है, ट्रू दे देता है आपको, सॉरी फॉल्स वैल्यू नहीं है इसलिए ट्रू दे दिया। यहाँ पर 2 6 और फॉल्स है इसलिए फॉल्स दे रहा है, क्योंकि ऑल में जो है सारी वैल्यूज़ जो है अगर ट्रू हैं या नॉन ज़ीरो हैं या नॉन फॉल्स वैल्यूज़ हैं देन ओनली इट विल रिटर्न ट्रू अदरवाइज फॉल्स। यहाँ पर आप एक्सिस अगर चेंज कर देते हैं तो ये रो वाइज देखता है 4 5 6 नॉन ज़ीरोज वैल्यूज़ हैं ट्रू दे दिया, 0 6 फॉल्स नॉन फॉल्स वैल्यूज़ हैं इसलिए इसको फॉल्स दे दिया। एनी जो है वो और ऑपरेटर की तरह बिहेव करता है कि आउट ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ दैट कॉलम अगर उसमें से कोई भी जो है नॉन ज़ीरो है तो वो जो है ट्रू देगा अदरवाइज फॉल्स देगा। देखिए आप ये पहला कॉलम इस इंडेक्स इस डाटा फ्रेम में इसमें ज़ीरो है और एक वैल्यू ट्रू है, 4 जो है वो ट्रू मानेगा इसलिए इसके अगेंस्ट ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। 1 5 0 में देखिए इट इज़ अगेन रिटर्निंग ट्रू बिकॉज 1 and 5 आर नॉन फॉल्स वैल्यूज़। यहाँ पर 2 6 और फॉल्स में भी ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि 2 और 6 आर नॉन एम्प्टी नॉन ज़ीरो एंड नॉन फॉल्स वैल्यूज़। और ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्सिस इक्वल टू ज़ीरो रहता है, जैसे ही आप एक्सिस 1 करेंगे तो ये रो वाइज बिहेवियर चालू हो जाएगा। तो ये देखेगा पहली रो 4 5 6 नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं रिटर्निंग ट्रू, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं 0 0 फॉल्स, सो रिटर्निंग फॉल्स। सो और में क्या होता है कि अगर कोई एक भी वैल्यू नॉन ज़ीरो है तो ट्रू और सारी वैल्यूज़ फॉल्स हैं देन ओनली इट इज़ फॉल्स। सो इस तरह से आप ये तीनों फंक्शंस को यूटिलाइज करते हो फॉर बुलियन रिडक्शन, यानी कि पूरे ये डेटा फ्रेम को ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट कर देता है और मिनिमाइज कर देता है, रिड्यूस कर देता है, नॉट दैट मेनी रोज एंड दैट मेनी कॉलम्स, रादर आइदर इन वन रो और इन वन कॉलम इट डिस्प्लेस द वैल्यूज ट्रू और फॉल्स। नाउ आफ्टर एम्प्टी all and any function we proceed for handling the null values within a data frame. Null values in data frame are represented through two keywords, that is NaN, not a number, and NONE, none. Missing data कहते हैं इसको। देखिए जैसे इस तरह इस data frame के अंदर आप देख सकते हैं जहाँ NaN लिखा हुआ है, they all are null values. That means sometimes it happens कि आप किसी रो में या किसी कॉलम में डेटा अवेलेबल नहीं है, so for that purpose you are putting just null. In place of putting null you can put NaN or none. It is called as missing value. The value with no significance is called missing value. In other words, missing data is the data which is undefined. So ये undefined data है, on later stage you can feed this data as per your requirement or as soon as you receive the data for this purpose you can enter it. Now इसे आप दो तरह से handle कर सकते हैं, एक तो none लिख करके और एक NaN लिख करके। तो दोनों का use क्या है, one by one you can see. यहाँ पर मैंने एक डेटा फ्रेम बनाया है पी डी डॉट डेटा फ्रेम, रोल नंबर 3 4 नन एंड 5, नेम राम दिया राज एंड नन, चार चार वैल्यूज़ दी हैं, दो कॉलम है हमारे पास, एक रोल नंबर एक नेम। रोल नंबर में भी मैंने नन दिया हुआ है, नेम में भी नन दिया हुआ है,
लेकिन जब ये डेटा फ्रेम बनता है तो फॉर न्यूमेरिक कॉलम्स इट बिकम्स एन ए एन ऑटोमेटिकली. एन ए एन यू माइट हैव लर्नड इन नम पाई. नम पाई में आपका एक नॉट ए नंबर, एन पी डॉट नॉट ए नंबर, एन ए एन यूज़ किया था आपने नल वैल्यूज़ के लिए. सेम इज़ डिस्प्लेड ओवर हेयर. और उस कॉलम की वैल्यू फ्लोट में कन्वर्ट हो जाती है जिस कॉलम में कोई एक भी वैल्यू नन होती है या नल होती है. और स्ट्रिंग के केस में दैट रिमेन्स नन ओनली, उसमें कोई चेंज नहीं होता, नन का नन है. सो दिस इज़ हाउ नन एन ए एन एंड नन वैल्यूज आर रिप्रेजेंटेड एज स्ट्रिंग एंड एज ए न्यूमेरिक कॉलम. नाउ दीज वैल्यूज कैन बी हैंडल्ड यूजिंग स्पेसिफिक फंक्शंस. कुछ फंक्शंस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं. यहाँ पर एक डेटा फ्रेम बना है, वही है. और ये दिस इज अनदर डेटा फ्रेम जिसमें मैंने एन ए एन डाला था, यहाँ एन ए एन डाला था. तो नेम के नीचे भी एन ए एन आ रहा है और रोल नंबर के नीचे भी एन ए एन ही आ रहा है. हेयर ऑल्सो एन पी डॉट एन ए एन, एन पी डॉट एन ए एन. सो दे बोथ द प्लेस इन द बोथ द कॉलम्स यू आर हैविंग एन ए एन ओनली. नाउ देर इज ए फंक्शन इज नल बाई विच यू कैन सर्च विच वैल्यू इन ए पार्टिकुलर लोकेशन इज सेटिस्फाइंग इज नल फंक्शन. इज नल चेक्स वेदर द देयर इज सम वैल्यू or not. If some value extra than null, extra than NaN, extra than none is present over there, it returns true. Otherwise it returns false. जहाँ पर आपका NaN होगा वहाँ पर is null function return करेगा true. जहाँ पर NaN के अलावा, null के अलावा कुछ होगा उस जगह के लिए false return करेगा. Here you can see df dot is null. तो थ्री के लिए इट इज़ रिटर्निंग फॉल्स सिंस थ्री इज समथिंग एक्स्ट्रा देन नल. और जहाँ पर आपका एन ए एन है उसके लिए ट्रू आ रहा है. इन द सेम वे इन नेम अंडर नेम कॉलम ऑल्सो यू कैन सी द लास्ट वैल्यू इज रिटर्निंग ट्रू सिंस लास्ट वैल्यू हेयर इन द डेटा फ्रेम इज एन ए एन. नाउ इन केस ऑफ सीरीज इफ आई पुट एन ओ एन ई नन सो इट इज ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इन टू फ्लोट टाइप एंड एन ए एन इज रिप्लेस्ड रिप्लेसिंग द नन वैल्यू. सो दिस इज़ हाउ यू कैन सी इन सीरीज ऑल्सो. अब सीरीज में एक ये एक्स्ट्रा फंक्शन यूज़ किया जा सकता है ए डॉट नॉट नल, उसका ए ऑफ ए डॉट नॉट नल, यानी कि जो नॉट नल वैल्यूज़ हैं दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रू वैल्यूज़, सॉरी फॉल्स वैल्यूज़ नॉट नल. ये क्या रिटर्न करेगा आपको? A of A dot not null will return all those values which are extra than null, and this happens only in case of series. ये series में काम करेगा ये statement जो मैंने लिखा है, आपका data frame में work नहीं करेगा. Now this is null function. Moving to next slide. आपने एक डेटा फ्रेम बनाया और देर आर सो मैनी एन ए एन वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली फिल्ड इन द डेटा फ्रेम. डेटा फ्रेम का डायमेंशन मैंने कुछ अलग कर दिया है, इसमें सेकेंड रो के लिए 8 दिया है, बाकी वैल्यूज़ नहीं दी चार वैल्यूज़. तो ऑल दीज फोर वैल्यूज़ हैव बीन सब्स्टिट्यूटेड एज एन ए एन. अब मैं क्या करूँगा, जितनी भी नल वैल्यूज़ हैं उसे ड्रॉप करना है, डिलीट करना है. तो वो सारी रो डिलीट कर देता है ड्रॉप एन ए फंक्शन. ड्रॉप ना फंक्शन डिलीट्स ऑल दोज रोज हैविंग एनी वैल्यू एन ए एन विद इन दैट रो. किसी भी रो में एक भी वैल्यू अगर एन ए एन है तो ड्रॉप ना फंक्शन क्या करता है, उस पूरी रो को ही डिलीट कर देता है. यू कैन सी हेयर प्रिंट डी एफ डॉट ड्रॉप एन ए एम्प्टी ब्रेकेट. तो इसमें आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडेक्स नंबर वाली रो में एन ए एन है, सेकेंड में भी है, थर्ड में भी है. तो ये तीनों रोज डिलीट हो गई. Ultimately, the first row which is not having any NaN value is being displayed in the result. So this is NaN. अगर इसमें आप axis is equal to 1 लिख देते हैं, then what happens? Axis is equal to 1 लिखने पर यह column wise काम करने लगता है. यानी कि इस column में कोई भी value NaN नहीं है, ये filter होकर display होगी. और बाकी सभी columns में आप देख सकते हैं कोई ना कोई NaN है, इसलिए all these columns will be deleted from the result.
So in this result you can see only the column having no any null value is being displayed and rest of the columns have been deleted if I write x is equal to 1. Now अगर आप चाहते हैं जहाँ पर null values हैं वहाँ सारी values जो है वो किसी particular value से string value से या numeric value से replace हो जाएँ तो आप यहाँ लिख सकते हैं df dot fill na within bracket the value that you want to fill. ज़ीरो आपने डाल दिया तो जहाँ जहाँ एन एन था हर जगह आपका ज़ीरो रिप्लेस हो गया. दिस इज़ फिल ना फंक्शन. सो वेर एवर एन एन वैल्यूज़ आर देयर यू कैन फीड योर ओन वैल्यूज़ मे बी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग मे बी इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिक मे बी इन द फॉर्म ऑफ फ्लोट और ट्रू एंड फॉल्स इवन. नाउ मूविंग टू लास्ट स्लाइड ऑफ हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज़. यहाँ आपका ये डाटा फ्रेम है जिसमें कुछ नल वैल्यूज़ हैं. आप चाहें तो अपने हिसाब से किसी पार्टिकुलर कॉलम में जो नल वैल्यूज़ हैं उसको क्या रिप्लेस करेंगे. फर्स्ट कॉलम में अगर नल है तो क्या रिप्लेस करेंगे. सेकंड कॉलम में अगर नल है तो क्या रिप्लेस करेंगे. थर्ड कॉलम में नल है तो क्या रिप्लेस करेंगे एंड सो ऑन. फॉर दैट यू कैन पास ऑन द डिक्शनरी टू फिल ना फंक्शन. यहाँ पर जीरोथ कॉलम में अगर कोई नल वैल्यू है विल बी रिप्लेस्ड बाय ज़ीरो. फर्स्ट कॉलम में इंडेक्स नंबर फर्स्ट वाले कॉलम में अगर कोई नल वैल्यू है विल बी रिप्लेस्ड बाय ओके. सिमिलरली फॉर सेकेंड कॉलम -10 थर्ड कॉलम 0.0. यू कैन सी हियर जीरोथ कॉलम में कुछ भी नहीं है सो नथिंग इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड. फर्स्ट कॉलम हैज़ एन ए एन दैट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय ओके. सेकेंड कॉलम में एन ए एन बींग रिप्लेस्ड बाय -10 टू टाइम्स. थर्ड कॉलम में इट इज़ बींग रिप्लेस्ड बाय 0.003 टाइम्स. इसमें एन ए एन मैंने चौथा कॉलम यहाँ डिक्शनरी में डिफाइन नहीं किया सो एन ए एन इज रिमेनिंग एज इट इज़ इन दिस कॉलम. सो यू माइट हैव अंडरस्टूड इट. नाउ अनदर थिंग फिल ना फंक्शन में एक पैरामीटर एक आर्ग्यूमेंट है मेथड. मेथड इक्वल टू एफ फिल करेंगे आप तो क्या होगा. एडजेसेंट कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू जो है एन ए एन से ऊपर उसी न्यूमेरिक वैल्यू से सारी एन ए एन वैल्यूज फीड हो जाएंगी. लाइक यहाँ पर 7.0 है तो 7.0 इसमें आ जाएगा. और मान लीजिए यहाँ पर एन ए एन में ऊपर 6.0 है एडजेसेंट वैल्यू तो उससे ये सारी फिलअप हो जाएंगी. यहाँ पर 5.0 है तो इससे ऊपर तो ये दोनों वैल्यूज़ 5.0 से यहाँ फीड हो रही हैं. यहाँ पर ये एन ए एन इसकी एडजेसेंट अबव सेल में वैल्यू है 4.0 सो दिस इज ऑल्सो बींग रिप्लेस्ड विथ 4.0. So this is how you can fill up the NaN values with the above adjacent cells value. तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कौन कौन सी null values हैं फिल्टर लगाने के लिए और उन null values को आप कैसे fill कर सकते हैं by your own values or by a common value or by a value टू स्पेसिफिक कॉलम स्पेसिफिक वैल्यू टू स्पेसिफिक कॉलम. सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे टुडेज क्लास एंड रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स ऑफ पैंडास विल बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट कमिंग क्लास. थैंक यू वेरी मच.